गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय एमकेश सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्टेक्ट फोर्स, जो कि है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं तो आपको याद दिला दें। अभी तक हम लोग मस्कुलर फोर्स को डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाम ही है इसका स्प्रिंग फोर्स, यानी कि यहाँ पर हमको एक छोटा सा मेटालिक स्प्रिंग को क्या करना है, रख देना है। जनरली मेटालिक स्प्रिंग ही होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि मेटल्स आर हार्ड एंड हैव सम स्टिफनेस, उसमें स्टिफनेस होता है, कुछ कड़ापन रहता है और अपने शेप एंड साइज को चेंज करने से अपोज करता है। तो उसका जो कड़ापन है, उसका जो स्टिफनेस है, इसी वजह से इसमें एक तरह का फोर्स जनरेट होता है जब इसको हम डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में इसमें कोई फोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, जब तक ये इसको डिस्टर्ब ना करें, यानी कि स्प्रिंग में एक तरह का एनर्जी स्टोर रहता है और ये एनर्जी ही स्प्रिंग फोर्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग अकेले, स्प्रिंग खुद से कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इसमें आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी इसके अपोजिट में एक फोर्स लगेगा, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ के वजह से। यानी कि आप स्प्रिंग को प्रेस कर दिए, आप जो फोर्स लगाए, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं फोर्स अप्लाइड, क्या कहेंगे, फोर्स अप्लाइड। तो स्प्रिंग क्या हुआ, जब आप फोर्स लगाए तो स्प्रिंग हो गया प्रेस, कंप्रेस हो गया। अब न्यूटन थर्ला कहता है कि एवरी एक्शन फोर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट एक्शन फोर्स। तो स्प्रिंग क्या करेगा, आपके अपोजिट में एक फोर्स लगा देगा। ठीक है, ये हो जाएगा एफ स्प्रिंग, यानी कि इसका डायरेक्शन जो होगा आपके द्वारा लगाया हुआ फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। आपके द्वारा फोर्स लगाया हुआ क्या होगा, अपोजिट होगा। अब ये फोर्स क्यों जनरेट हो रहा है, इट इज द फोर्स ड्यू टू द स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग मटेरियल। स्प्रिंग का जो मटेरियल है उसमें कड़ापन है, और जितना ज्यादा स्टीफनेस होगा उतना ज्यादा वो स्प्रिंग फोर्स को अप्लाई करेगा आपके अपोजिट। ठीक है, यानी कि अगर आप 20 न्यूटन लगाए तो वो भी आपको 20 न्यूटन लगाएगा। जितना ज्यादा स्टिफनेस होगा तो उतना ज्यादा अपोज करेगा, उतना ज्यादा आपको हाई फोर्स लगाना हो। सपोज जैसे आपके अगर पेन में कोई स्प्रिंग है, आपके जो पेन में स्प्रिंग है, तो आप उसमें देखिएगा कि आप 5 न्यूटन ही लगाए वो डिस्टर्ब हो गया, अपने शेप को चेंज कर लिया। बट जो बाइक में होता है सस्पेंशन, देखोगे सीट के नीचे लगा होता है ना सस्पेंशन, उसमें आप देखिएगा जब एक लोग या दो लोग उसके ऊपर बैठते हैं ना, तब उसमें शेप का चेंज होना स्टार्ट होता है ना। या फिर ऑटोमोबाइल्स में, या फिर रेल में भी देखें, सबसे ज्यादा हार्ड रेलवे कोच में होता है। उसमें देखिएगा रेलवे कोच के नीचे काफी मोटे मोटे स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग आप देखिएगा उसमें लगा हो रहता है, देखे ना। यस सर। तो जितना ज्यादा उसमें स्टिफनेस होगा उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? यस सर। तो याद रखिएगा स्प्रिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है। तो सम टाइम फॉर्मूला में आपका निगेटिव ही रहेगा, सम टाइम फॉर्मूला में क्या रहेगा, निगेटिव। तो निगेटिव जैसे ही रहेगा तो आप समझ जाएगा कि क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स, द फोर्स एक्टेड बाय स्प्रिंग। अब फिगर से समझिए, ये सिचुएशन जो है बिल्कुल नॉर्मल है। ये सिचुएशन क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, ए में, बी में क्या हो रहा है, अप्लाइड फोर्स लेफ्ट के डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स क्या है, लेफ्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसका नॉर्मल शेप है, नॉर्मल इसका पोजीशन है, ठीक है, स्प्रिंग का। बट क्या कर दें, इसके शेप को प्रेस कर दें, यानी इसका शेप यहाँ तक चेंज हो गया। मान लेते हैं ये एक्स, ये क्या है, एक्स। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स को जितना ज्यादा, अगर सपोज यहीं तक प्रेस करते हैं तो इसमें स्प्रिंग फोर्स ज्यादा लगता, कि जितना ज्यादा प्रेस करेंगे उसमें उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगेगा, बोलो। जितना ज्यादा प्रेस करेंगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगेगा। वेरी गुड, यानी यहां से हमको समझ में ये आ रहा है, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। एक्स क्या है, एक्स लेंथ नहीं है,
एक्स यहां पर क्या है चेंज इन लेंथ, एक्स क्या है चेंज इन लेंथ, इसको हम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब हो गया ओरिजिनल लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ, ठीक है सॉरी ओरिजिनल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ, तो ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ, क्या हो जाएगा चेंज इन लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ चेंज करेंगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स रहेगा, ठीक है, यानी कि स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। अब देखो प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या आता है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे k से, और ये हो जाएगा इनटू डेल्टा x, ठीक है याद रखिएगा डेल्टा x और x, अगर यहाँ पे x है तो वो भी और डेल्टा x तो वो भी, अब ये समझिएगा कि चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, x या डेल्टा x का मतलब क्या है चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब देखिए k जो आया इसका मतलब क्या है, तो हेयर इज द k इज कॉल्ड अ स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग, हेयर इज k इज कॉल्ड अ स्टीफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्टीफनेस का मतलब अभी समझाएं थे थोड़ा सा बोलिए, यस सर, स्टीफनेस का मतलब होता है कड़ापन, स्प्रिंग कितना हार्ड है, कितना उसमें रिजिडिटी है, कितना वो अपने शेप एंड साइज को अपोज करता है चेंज करने के लिए, ठीक है, तो जितना ज्यादा हार्ड रहेगा उतना ज्यादा उसका स्टीफनेस होगा, ठीक है आया समझ में। और के का वैल्यू यहाँ पर होता है, के का वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए अब इस केस में देखिए, सी केस में बी हो गया, सी केस में देखिए ये इसका नॉर्मल पोजीशन है, बट सी में क्या हो रहा है, हम जो फोर्स लगाए अप्लाइड फोर्स लगाए वो राइट डायरेक्शन में लगाए है ना, हम जो अप्लाइड फोर्स लगाए राइट डायरेक्शन में, बट स्प्रिंग का टेंडेंसी किधर होगा, स्प्रिंग फोर्स का टेंडेंसी किधर होगा, वेरी गुड लेफ्ट साइड में, स्प्रिंग फोर्स का टेंडेंसी किधर होगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। अब ये बताइए कि स्प्रिंग फोर्स कब ज्यादा लगेगा, जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तब ज्यादा लगेगा कि इलोंगेट करेंगे, इलोंगेट मतलब फैलाते हैं तब ज्यादा लगता है, बताइए स्प्रिंग फोर्स कब ज्यादा लगेगा स्प्रिंग में, कंप्रेस करेंगे कि इलोंगेट करेंगे, कंप्रेस या दोनों में इक्वल होगा बोलिए, कंप्रेस में ज्यादा रहेगा या इलोंगेट में ज्यादा रहेगा या दोनों में इक्वल होगा, बोलिए, ठीक है तो याद रखिए हाँ दोनों में इक्वल होता है, या आप कंप्रेस करिए या क्या करिए इलोंगेट करिए, दोनों में क्या होगा इक्वल होगा, स्प्रिंग फोर्स डिपेंड करता है चेंज इन लेंथ एक्स, जितना ज्यादा आप लेंथ को चेंज करिएगा उतना ज्यादा क्या होगा स्प्रिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ये डेल्टा एक्स पर डिपेंड करता है, अभी बताया था ना स्प्रिंग फोर्स डिपेंड करता है चेंज इन लेंथ, आप उसको दबा के चेंज करिए या खींच कर चेंज करिए, दोनों में क्या होता है इक्वल होता है, पहले यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए फिर एक क्वेश्चन से आपको समझाते हैं, ठीक है। ठीक है तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, फोर्स स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के इनटू एक्स, एक्स का मतलब चेंज इन लेंथ, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्वेश्चन से, सपोज एक स्प्रिंग है उसको हम किसी पॉइंट पर सस्पेंड कर दिए यानी टांग दिए, ठीक है आप लोग देखोगे स्प्रिंग स्प्रिंग बैलेंस देखोगे, किसी चीज को वेट को मेजर करते हैं तो यहाँ पर मीटर जो लगा हुआ रहता है वो आपको बताता है कि 1 किलोग्राम है 2 किलोग्राम है 5 किलोग्राम है ना, ऐसा देखें स्प्रिंग बैलेंस गैस सिलेंडर को मेजर करते हैं, गैस सिलेंडर को जनरली इसी से तोलते हैं हम लोग कि कितना इसमें केजी गैस इसमें डाला गया, ठीक है तो इसी को हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन के हेल्प से। देखिए स्प्रिंग में जब किसी चीज को हैंग कर देंगे टांग देंगे तो अब उस फोर्स जो फोर्स लगाएगा उस स्प्रिंग को हम लोग उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं लोड, क्या बोलेंगे लोड, यानी 1 kg इस पर लोड लगा रहा है, स्प्रिंग पर क्या कर रहा है 1 kg लोड लगाया, ठीक है। अब देखिए स्प्रिंग के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है वो कितना है 20 newton per meter, यानी कि 1 meter इसको चेंज करना है, अगर स्प्रिंग के लेंथ को 1 meter चेंज करना है तो आपको 20 newton लोड
लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको देखना है कि 1 किलोग्राम बॉडी जो हम लगाया है फोर्स, 1 किलोग्राम बॉडी जो फोर्स लगाया है, तो स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंज आएगा, स्प्रिंग के लेंथ में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल सा, सबसे सिंपल सा ही क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू एक्स, है ना, एक्स इज द चेंज इन लेंथ, एक्स इज द चेंज इन लेंथ। अब देखिए फोर्स, इस बॉडी पर फोर्स यानी कि लोड कितना लग रहा है, 1 किलोग्राम कितना लोड लगाएगा, तो जितना इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg, है कि नहीं, यानी m, g का वैल्यू हम लोग जनरली अभी 10 लेंगे, g का वैल्यू जब तक 9.8 क्वेश्चन में नहीं लिख दे तब तक हमको क्या लेना है, खुद से 10 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर mg आ जाएगा 10 न्यूटन, mg क्या आ जाएगा 10 न्यूटन, तो यहाँ पर क्या लिख दिए 10 न्यूटन, ठीक। अब देखिए k कितना है, k इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, यहाँ पर 20 लिख दिए, और ये हो गया x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/2 मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू बहुत छोटा होता है इसलिए मीटर को जनरली किस में आंसर करेंगे, सेंटीमीटर में। बोलिए आया सर ये क्वेश्चन? यस सर, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या रहा है, ए स्प्रिंग हैज लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपको जो इनिशियल लेंथ दिया हुआ है अभी जब कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा है तो कितना सेंटीमीटर का है, 22 सेंटीमीटर। अभी बोल रहा है इफ इट इज लोडेड विथ 2 किलोग्राम, अब यहाँ पर 2 किलोग्राम का बॉडी को लोड कर दी, ठीक है, मास जो फोर्स लगाता है तो उसको हम लोग लोड बोलते हैं, कितना लोड है 2 किलोग्राम का, ठीक है। नाउ इट्स गेट्स स्ट्रेच्ड बाय 38 सेंटीमीटर, अभी 22 सेंटीमीटर का था, अब कितना सेंटीमीटर का हो गया, 38 सेंटीमीटर। तो हमें बोल रहा है कंप्यूट इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या कंप्यूट करने के लिए बोल रहा है हमको, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले गिवन डाटा में लिखेंगे, सबसे पहले निकालना है आपको चेंज इन लेंथ डेल्टा एक्स, तो फाइनल लेंथ कितना है 38 सेंटीमीटर माइनस इनिशियल लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर, आ गया ना, ठीक है। फोर्स, फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, m into g, मास कितना बॉडी का 2 किलोग्राम, g का वैल्यू 9.8 अगर दिया रहेगा तो 9.8 लेंगे, 10 दिया रहेगा तो 10 लेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिंपली क्या लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 20 न्यूटन। अब हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला, कंप्यूट इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k into x, यानी यहां से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/16, ये आंसर आ जाएगा 5/4 न्यूटन/सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अगर इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये 5 × 25, ये आ जाएगा 125 न्यूटन/मीटर, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इज इट क्लियर, सबको समझ में आया क्वेश्चन? यस सर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।